नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि 1 जून से कई अहम नियमों में होंगे बदलाव। जानिए कि आम लोगों की जेब पर कैसे पड़ेगा इसका असर। आपको बता दें कि मई का महीना समाप्त होने वाला है और साल का छठा महीना यानी कि जून शुरू होने वाला है। आने वाले जून के महीने में कई अहम नियमों में बदलाव किया जाएगा, जिससे आम लोगों की जेब पर गहरा असर पड़ सकता है। नियमों में बदलाव होने से कई चीजें महंगी हो जाएंगी, होम लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी और साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जारीकर्ता शुल्क भी लागू कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 जून 2022 से गाड़ियों के इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा हो जाएगा। इसमें दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा, इसकी जो रकम होगी वो बढ़ जाएगी। अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम की दर में इजाफा किया गया है। साथ ही देश में कर्ज देने वाला सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI का होम लोन भी 1 जून से महंगा हो जाएगा। SBI ने अपने होम लोन में EBLR को 40 बेसिक पॉइंट बढ़ाकर 7.05% कर दिया है और ये बढ़ी हुई ब्याज दरें 1 जून 2022 से प्रभावी होंगी। और इसके साथ ही जून के महीने से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए लेन देन अगर करना भी है वो भी महंगा हो जाएगा। इसका कारण ये है कि IPPB ने आगामी 15 जून से जारीकर्ता शुल्क लागू करने का फैसला किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि क्या मुंबई में लौटेगी कोरोना काल की पाबंदियां। कोविड के बढ़ते मामलों पर महाराष्ट्र सरकार की है नजर। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। राजधानी दिल्ली समेत आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोविड के मरीजों का ग्राफ चिंता का सबब बना हुआ है। बात महाराष्ट्र की करें तो पिछले दिन यानी कि 26 मई को सूबे में 500 से ज्यादा कोविड के मरीज मिले हैं। इसमें सिर्फ मुंबई में ही 350 के सामने आए। ऐसे में सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। आपको बता दें कि हाल ही में BMC ने कहा था कि जल्द ही चौथी लहर आ सकती है और सितंबर के महीने में इसका पीक हो सकता है। ऐसे में कोविड केसों के बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग से लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। ऐसे में सरकार का कहना है कि जिस तरीके से रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अगर ये आंकड़ा 1000 या फिर 1500 को पार करता है तो फिर पाबंदियां लगाई जाएंगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश भर में 31 मई को बंद रहेंगी सभी ट्रेनें। जानिए इसकी क्या है बड़ी वजह। आपको बता दें कि देश में 31 मई को कुछ ऐसा होगा जब सभी ट्रेनों के पहिए एक साथ थम जाएंगे। अगर रेल मंत्रालय समय रहते नहीं जागा तो पूरे देश के लोगों को इसकी बड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। इसकी वजह भारतीय रेल के सभी स्टेशन मास्टरों का हड़ताल पर जाना है। आपको बता दें कि रेलवे की उदासीनता की वजह से देश भर के करीबन 35,000 से अधिक स्टेशन मास्टरों ने रेलवे बोर्ड को एक नोटिस भेजा है। नोटिस में साफ कर दिया है कि आगामी 31 मई को हड़ताल पर जाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि इस दिन आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त। जल्दी चेक कर लें लिस्ट में अपना नाम। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप भी पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को पीएम किसान की अगली किस्त खाते में डाल सकते हैं। पर यहाँ आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार एक साल में 3 किस्तें खाते में डालती है जो 2-2 हजार की होती है, यानी केंद्र सरकार की तरफ से खाते में 6,000 रुपए सालाना डाले जाते हैं। खबरों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला में एक कार्यक्रम में पहुंचेंगे। यहीं से वे किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी कर सकते हैं और इस मौके पर पीएम देश के अलग अलग इलाकों के लाभार्थियों से बात भी कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोलगेट और हिंदुस्तान यूनिलीवर के पॉपुलर प्रोडक्ट हुए महंगे। 3% से लेकर 20% तक बढ़ गए हैं दाम। यहाँ पर आपको बता दें कि कोलगेट और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनियों ने पॉपुलर प्रोडक्ट के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। डिस्ट्रीब्यूटर की माने तो आमतौर पर चौथी तिमाही में बढ़ोतरी करती हैं कंपनियां, जबकि ये पहले ही कर दिया गया है। और इसके अलावा जिन प्रोडक्ट से प्राइस फिक्स हैं, वहां पर प्रोडक्ट के वजन में कटौती की गई है। आपको बता दें कि कीमतों में बढ़ोतरी की गई है क्योंकि कच्चे माल की दरें ऊंची बनी हुई हैं। 3% से लेकर 20% तक ये बढ़ोतरी की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एक्सिस बैंक के ग्राहकों को झटका। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस सहित सर्विस चार्ज में हुई बढ़ोतरी। आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। एक्सिस बैंक ने सेविंग अकाउंट में न सिर्फ न्यूनतम बैलेंस की सीमा में बढ़ोतरी कर दी है, बल्कि न्यूनतम बैलेंस नहीं रहने पर लगने वाले मासिक सर्विस चार्ज को भी अब बढ़ा दिया है। ये बढ़ोतरी 1 जून 2022 से प्रभावी होगी। आपको बता दें कि न्यूनतम बैलेंस रखने की सीमा अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों के लिए की गई है। इन इलाकों के ग्राहकों को अब एक्सिस बैंक में सभी तरह के सेविंग अकाउंट में 15,000 की जगह न्यूनतम 25,000 रुपए रखने होंगे या फिर 1 लाख रुपए का टर्म डिपॉजिट रखना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नकली गोल्ड बेचने वालों की अब खैर नहीं, अब बिकेगा मात्र खड़ा सोना। 1 जून से लागू होगा ये नया नियम।
आपको बता दें कि लोगों को सोने की शुद्धता का पता नहीं होता है, जिसका फायदा उठाकर ज्वेलर्स ग्राहकों को बिना हॉलमार्क वाला कम कैरेट वाला सोना या फिर अशुद्ध सोना थमा देते हैं, जो कुछ दिनों बाद खराब होने लगता है। वहीं जब आप उस सोने को वापस करने या फिर बदलने जाते हैं तो आपको उसका कम रेट मिलता है। इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ने हॉलमार्किंग या फिर एक नया नियम बना दिया है, जो इस साल 1 जून से लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद ज्वेलर्स बिना हॉलमार्क के सोना नहीं बेच सकेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फुव्वारा, 30 मई को देश के सामने आएगा सच, जारी होगा वीडियो। आपको बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का वीडियो जारी करने का आदेश दिया है। मस्जिद के अंदर फुव्वारा है या शिवलिंग, इसका सच 30 मई को देश के सामने आ जाएगा। कोर्ट इसी दिन सर्वे का वीडियो और फोटोग्राफ भी जारी करेगी। यहां पर आपको बता दें कि इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया था। इस पत्र में मांग की गई थी ज्ञानवापी मस्जिद में कमीशन ने जो सर्वे किया है उसके वीडियो और फोटोज को सार्वजनिक न किया जाए, पर अदालत ने अब ये साफ कर दिया है कि 30 मई को वीडियो और फोटोग्राफ जारी कर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पाकिस्तान में 30 रुपए लीटर बढ़े हैं पेट्रोल के दाम, सरकार पर भड़के इमरान, फिर भारत से सीख लेने की दी नसीहत। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि ये मूल्य वृद्धि आधी रात से लागू हो गई है। इसके बाद पेट्रोल 179.85 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 174.15 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। इस पर आपको बता दें कि शहबाज सरकार के इस फैसले पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भड़क गए हैं। उन्होंने भारत से सीख लेने की सलाह दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की राह में तुर्की बना है रोड़ा, जाने की क्या कहा। आपको बता दें कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की राह में तुर्की सबसे बड़ा बाधा बना हुआ है। एक रिपोर्ट की माने तो तुर्की के विदेश मंत्री का कहना है कि नाटो की सदस्यता के लिए अंकारा की आपत्तियों और सुरक्षा चिंताओं को दूर करना चाहिए। इसके लिए फिनलैंड और स्वीडन को ठोस कदम उठाने की दरकार है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूरोपीय यूनियन की प्रमुख लियन का बड़ा आरोप, खाद्यान्न को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे रूस। आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन की प्रमुख लियन ने कहा है कि रूस खाद्यान्न को हथियार बनाकर दुनिया की मुश्किलें बढ़ा रहा है, जबकि दावोस में अरबपति फाइनेंसर जॉर्ज सोरोस ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका समाप्त नहीं हुई है। यूक्रेन पर रूसी हमले की परिणति विश्व युद्ध के रूप में हो सकती है। इस बीच रूस खाद्यान्न लदे जहाजों को यूक्रेन से अन्य देशों में जाने का रास्ता देने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए उसने काला सागर में तैनात अपनी नौसेना के लिए आदेश जारी कर दिया है। रूस ने ये अनुमति खुद पर लगे कुछ प्रतिबंधों के हटाए जाने के बाद दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 2-3 दिनों में मानसून के केरल पहुंचने की उम्मीद, जबकि यूपी और बिहार के कई जिलों में होगी बारिश। आपको बता दें कि मानसून से पहले देश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। कई राज्यों में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां लगातार 4 दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश की संभावना है। वहीं केरल की बात करें तो यहां 27 जून को मानसून आने की संभावना थी, लेकिन अब 48 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 2 दिन के बाद आ सकता है मानसून। वहीं उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी के सितम के बीच मौसम विभाग ने एक राहत की खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 28 मई तक 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार के सुपौल, मोतिहारी, अररिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, इन सभी जगहों पर 28 से लेकर 30 मई के बीच में भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।